हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। हर वीक हम एक मसल पे एक एक एक्सरसाइज का राइट पोजीशनिंग बताएंगे, वो दो दिन के लिए, दो या तीन मिनट का, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करते हैं, जिम में पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी बॉडी का एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उस मसल पे जोर नहीं पड़ता जिस मसल के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। अभी हम एक सीरीज लाने वाले हैं, वो आपको शुरू हो जाएगी और आप उनको एक एक एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एवरी वीक दो दो दिन के लिए। उसकी राइट पोजीशनिंग क्या है, कहाँ पे उसको चोट मारनी है, कहाँ उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो मसल डेवलप होगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम मेरे साथ ओलंपियड टू टाइम मेडल विनर मुकेश भी हैं और सुरेंद्र यूरोप बेस्ट। आज मैं आपको बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके बारे में और बहुत महीनों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप हमारे को ये बताइए कि कितने दिनों में मसल गेन साइज के लिए और उन दिनों में क्या वर्जिश करनी है और क्या खाना है। मैं पहले हालांकि एक अपने लेवल में बता चुका हूँ, लेकिन बच्चों को शायद वो नहीं मिलता जब वो इंटरमीडिएट पे एमए एडवांस पे जाएंगे, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ ताकि आपकी डिमांड के ऊपर। मुकेश जी ये तो आपको भी मालूम है और हमको भी, बच्चों को बताना है क्योंकि आप बताओगे तो और अच्छा रहेगा। 10 से 12 हफ्ते गेनिंग होनी चाहिए, 10-12 वीक्स एटलीस्ट। और हमारा वेट परसेंटेज, सबसे पहले हमें उनमें हैवी वेट उठाना है, हैवी वेट उठाना जिससे 8 से 12 रेप के बीच में ट्रेनिंग हो जाए। रेपिटेशन जरूर होनी है जी। पहले पहला सेट 40% कर लेंगे, दूसरा 60, 70, 80 तक 85। अगर 85 में मगर 12 रैप नहीं लगे तो दो तीन में हेल्प ले, तो लास्ट के दो तीन में ड्रॉप करके अपना ड्रॉप करके सेट वो ले लें। इसलिए आपको हमेशा इतनी रेंज तक जाना ही है। हर हैवी ट्रेनिंग तभी होगा, लेकिन लोग क्या बोलते हैं 100 किलो लेके और रैप ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं, मतलब 40 किलो वो उठा रहा है, आप 60 उठा रहे हो, तो आपके मसल में कोई पहले रैप से ही शुरू हो जाओ। इफ़ यू आर लो 100% यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट। आप हमेशा इंडिपेंडेंट रैप्स मारिए। जब आप फंस जाएँ पीछे रखे बंदा, 3 से 4 रैप आप खुद लें। और पहला सेट मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो लेग्स है, चाहे वो चेस्ट है, चाहे वो डेडलिफ्ट है, बाइसेप्स है, पहला सेट वार्म अप के लिए वो ज़रूरी है। एंड दूसरा सेट 50-60%, पहला 40, 50, 60, 70, 80 के दो भी हो जाए सेट, 10-12 रैप्स, बाद में एक दो सेट नीचे भी ले आओ ड्रॉप के, वो 50-60% से डाउन करके ले लो। और 10-12 रैप्स ये बेस्ट है, यही लेना है, ठीक है। 8-2 वो उसी ट्रेनिंग पे आप 8-12 वीक्स तक जा सकते हैं। जो कोई बॉडी जल्दी पकड़ लेती है तो 8 वीक, नहीं पकड़ती तो 12 वीक भी हो जाए, 16 भी हो जाएगा अगर आपने प्लान ठीक बनाया तो। ये मैं सिर्फ गेनिंग का प्लान है, मस्कुलर का बाद में बताऊंगा। अब हमारे को खाना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है बच्चों की, कि गेनिंग के दिनों में मसल साइज गेन हो उसके दिनों में हमें कितना खाना है। अगर आप हैं, जब आप गेन करेंगे तो आप सुबह मॉर्निंग में क्या खाएंगे? अगर ट्रेनिंग सुबह की है तो फिर आलू दही और एग वाइट बेस्ट है। अगर ट्रेनिंग शाम को करते हैं तो सुबह फिर आलू की बजाय हम ओट्स या चपाती लेते हैं। ओट्स या चपाती जी। तो अगर सुबह की ट्रेनिंग की हमने आलू दही एग वाइट हमने ले लिया ट्रेनिंग से 2 घंटे पहले, फिर आफ्टर ट्रेनिंग विद इन 40 मिनट्स या हमने डाइट देना है, वो जरूर देना है जी, क्योंकि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाँ, और प्रोटीन ज़्यादा लेना है जी, प्रोटीन उस टाइम प्रोटीन ज़्यादा लेना, प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पहले जूस पिएंगे फिर आ जाएंगे, जबकि वो नहीं, बाद में जाके जूस पीते हैं, जूस भी एक एनर्जाइजर है वो, उसका बाद में नहीं, पहले तो उसका अपनी एपेटाइट वो चीज़ें फुल कर लेते हैं, फिर बाद में वो प्रोटीन का कोई यूज नहीं रहता बिल्कुल। अच्छा फिर क्या करते हैं आप, प्रोटीन दिन में कितने बारी लेंगे? प्रोटीन डाइट में 6 मील आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको भूख अच्छी लगती है 6 से 7 मील भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो 4 से 5 मील जरूर लेना है, लेकिन 100% तो नहीं लेना, नहीं थोड़ा सा भूख रखें, भूख जरूर रखें, 2 से 3 घंटे में डाइट आप रखें, मतलब मीडियम मील सो मेनी टाइम्स जी, मीडियम मील सो मेनी टाइम्स, बट क्वालिटी वाले, ये नहीं आप समोसे खा रहे हैं, आप पिज्जा पे पहुंच गए, ये कोई डाइट नहीं है, नहीं है ना, स्पाइसी फूड खा लिया, खाएं अपनी थाली में देख लें ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि मैंने सुबह जोर लगाया है। और अब ये देखो, जब भी आप पैसा कमाते हो
बड़े आराम से खरीदते हो तो आपको लगता है यार ये महीने बाद आएगा, इसीलिए इसी तरह इस योर वर्जिश है कि आपने इतनी मेहनत की उसके बाद जंक फूड खा लिया, तो यू मस्ट थिंक अबाउट बिफोर दैट। क्यों भाई सुरेंद्र ऐसे ही है ना, सुरेंद्र 42 है अभी, बेस्ट लिफ्टर बना है, यू कैन बी यंग टिल 40-50। अभी 42 ईयर्स में 270 kg स्क्वाट लगाया है, अभी फिर हम इंग्लैंड जा रहे हैं। तो प्रोटीन दिन में दो बार ही, प्रोटीन सप्लीमेंट तो दो बार खा लूँ, दो बार खा ट्रेनिंग के बाद। और क्या सप्लीमेंट ऐड करें? अगर BCA ट्रेनिंग अच्छी है तो BCA यूज कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं आप मसल को अच्छा थकाते हैं हाँ तो BCA यूज कर सकते ट्रेनिंग के बीच में। हाँ रात को ग्लूटामाइन, रात को ग्लूटामाइन ताकि मसल ब्रेक ना हो। जी जी। और क्रिएटिन आप 2 महीने ऑन ऑफ करके यूज कर सकते, यूज कर सकते लगातार, कंटिन्यूटी में नहीं। नहीं, कुछ लोग लगातार खाते हैं, सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी के साथ 10-10 गोलियां खाते हैं, मेरे पास ऐसे लगते हैं, ये गलत है, बहुत ही गलत है। सीधा डायरेक्ट आपके ये लीवर पे और किडनीज और इंटेस्टाइन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बाद में वो बच्चे रिस्पॉन्स उनके ऑर्गन्स कम करते हैं, वो इतना माल खा लेते हैं उनका एडिक्शन हो जाता है खाली पेट। वो अभी एक बच्चा हमारा बीमार हो गया है, खाली पेट वो बता ही नहीं रहा था, चुपके से वो प्री वर्कआउट ले रहा था खाली पेट, तो वो उसमें कैफीन होता है, वो जाके उसको अफेक्ट हो गया। अभी वो मैंने कल ही उसको बोला भैया इसका इलाज करो, पपीता पका हुआ खाओ, दूध पियो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, उसको अल्सर की शिकायत हो गई। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो हमने 8-12 weeks हैवी ट्रेनिंग मैंने बताया, और रैप्स 10-12, और 40% 50-60-70-70-80 को दो सेट लेने हैं। जैसे जैसे वेट गेन होता जाएगा उनका तो पावर भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी और आपका लोड भी बढ़ता जाएगा। आगे आप 2.5 किलो 5-5 किलो उसको बढ़ाते जाओ, आपको दिखता जाएगा और साइज भी गेन होता जाएगा। पर ठीक टाइम पे खाना, मस्ट टेक प्रोटीन डाइट आफ्टर बिटवीन 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज वर्कआउट, क्योंकि आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसी टाइम जो आप प्रोटीन लेते हो, वो आपकी सही जगह पे जाता है, 80% वो मसल्स में जाता है, और आपको फील भी होता है दिमाग से कि मैंने अच्छा प्रोटीन लिया है। BCA आप ले सकते हो, रात को ग्लूटामाइन ले सकते हो, मसल ब्रेक ना हो। लेकिन एक नया बच्चा हो जैसे ये है अब इनको तो प्रोटीन, मुझे अभी एक फ़ोन आया, मेरे रिलेटिव हैं सनी भास्कर, हमारा बच्चा ही है, उन्होंने फ़ोन किया, अंकल जी ये मेरा बेटा 15 साल का है, उन्होंने बोला जी इसको ये लेके देना। मैंने कहा अभी तो उसके लिए बना ही नहीं, 15 साल के बच्चे को कॉम्प्लान मिलाओ। मैंने उनको फिर बाद में बोला, मैंने कहा कॉम्प्लान लेके दो, बोनविटा लेके दो, प्रोटीन एक्स लेके दो, अभी वो केला तो पचाएगा, दूध पचाएगा, कई बच्चों को तो आजकल दूध नहीं बचता। तो इन बच्चों के लिए अगर ये गेन करना चाहते हैं, केला चीकू शेक, ऐसे बच्चे सलाद ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, हैं देर बार दिन में केला चीकू शेक लें, पपीता खाएँ, अच्छी रिच डाइट, नॉट स्पाइस वाइज, रिच डाइट न्यूट्रिशन वाइज, ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा जूस पिए, दूध ज़्यादा पिए, दिन में 3 बार भी दूध पी सकते हैं, एक एक ग्लास का, 1 किलो तो पचेगा नहीं बच्चों को तो मेरे ख्याल में। तो ये ऐसे 8-10 weeks का गेनिंग का प्रोग्राम है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ ऐड मत करें, खाली पेट प्री वर्कआउट ना लें। और प्री वर्कआउट की अभी मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर नहीं चला जाएगा उसको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जरूरत है, और रेगुलर भी नहीं, रेगुलर भी नहीं, एडवांस को भी रेगुलर नहीं लेना, अफेक्ट करता है ऑन योर किडनीज एंड लीवर पे, बहुत अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हाई कैफीन है, एकदम बंदे को घुमा देता है। और जो लोग अभी कर रहे हैं, मे बी वो 2-3 साल में अपना रिजल्ट देख लेंगे, उनके बॉडी के डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम साइंटिस्ट नहीं हैं, सब उनको बोलते हैं हम अंग्रेज नहीं है, हमारी बात नहीं माननी है, ये ऐसे ही हैं देसी हैं, चलो हम देसी हैं लेकिन हम बात ठीक बोलेंगे। लव यू, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने प्रोग्राम बताया, आप 8-10 weeks इस पे चले, और ट्रेनिंग के बाद रेस्ट भी अच्छा करें, सोए भी जरूरी, ये सबसे जरूरी है, रिकवरी का बेस्ट तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, जब आप रात को ट्रेनिंग करके गए फिर आप मोबाइल पे लगे रहे, आपने सुबह 3 बजे नींद की, जो आपका डाइजेशन का टाइम था वो तो निकल गया। स्लीपिंग इज ऑल्सो गिव यू गुड डाइजेशन, नहीं आप सोते नहीं तो आप डाइजेस्ट होगा कैसे, आप एक्टिविटी में रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, तो इसलिए आप जाके अच्छा रेस्ट ले, वो भी एक आपका वेट बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है या नहीं, ये नेचुरल है। लेट सोइए, लेट उठिए,
مس ہو جائے گا, اور جب میل مس ہو گیا تو پھر آپ کے مسئلے میں کچھ آنے والا نہیں. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو.